वेलकम टू अवर चैनल मॉम एंड सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं जर्नी में. आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारी जर्नी को. टिल देन मिलते हैं. Anna, what we are doing? What I'm not doing, Didi. I want to tell you that I am going to meet a lady. We are going to. Uttarakhand! तो गाइस, हम कॉर्पेट के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में देखे हमें ये बहुत ही फ्रेश अमरूद, पिंक अमरूद, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आसपास ही कल्टीवेट होते हैं ऑन द वे टू कॉर्पेट, जिम कॉर्पेट. तो यहाँ पे भाई खरीद के खाना तो बनता ही है, तो हमने ये टेस्ट ज़रूर करे जो बहुत ही मीठे थे और बहुत ही टेस्टी थे. तो यहाँ पे मैं खाते हुए एंजॉय करते हुए और बस कुछ ही देर में, यानी कि 1.5-2 घंटे के करीब ड्राइव के बाद हम कॉर्पेट मचान रिजॉर्ट पहुँच गए. और ये बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट था. क्यों? क्योंकि देखिए आप खुद ही देखिएगा कि क्यों अमेजिंग था. बिकॉज ये एक नॉर्मल रिजॉर्ट की जैसे था ही नहीं. अगर आपको एक टेंशन फ्री, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप ज़रूर इस रिज़ॉर्ट में आएँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए की जाती हैं, बट कुछ यूनिक वे में है. तो यहाँ पे बच्चे रिसेप्शन के पास होते हुए यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स दिखती हैं हमें, और बहुत ही सुंदर, मतलब जो एम्बियंस था, ये जो एरिया था वो बहुत ही नेचर फ्रेंडली था और बहुत शांत वातावरण था. फिर यहाँ से हमने बच्चों के रिएक्शंस देखे, पूल को देख के तो इतने खुश हो गए क्योंकि इतना बड़ा पूल और इतना सुंदर बहुत टाइम बाद उन्होंने देखा. और बस स्विमिंग के लिए वो चाहते थे कि जल्दी से हम तैयार हो जाए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में आ जाए और हम स्विमिंग करें. तो इससे पहले एक पूरा सा बड़ा सा राउंड ले रहे थे कि बस देखें हम कब हम आके यहाँ पे मस्ती करें.
तो गाइस यहाँ पे मैं एंटर करते अपने रूम को, और ये जो हमारा रूम था वो यूनिक क्यों था कि स्पेशल था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको टीवी नहीं मिलता। तो जो लोग टेलीविज़न देखना चाहते हैं या म्यूज़िक सिस्टम रखना चाहते हैं, ये वो सब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये बर्ड्स नज़र आती हैं और बहुत ही अच्छे से डेकोर करा हुआ था। इट्स एक्चुअली अ लेपर्ड थीम, टाइगर थीम ही था यहाँ पे, लेकिन बहुत ही यूनिक वे में बहुत अच्छा था। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी विद अ रियली सिंपल एंड वेरी नाइस फूड। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे दिखाते हुए रूल्स, क्योंकि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, नो लाउड म्यूजिक इन द रूम, डू नॉट डिस्टर्ब एनी बर्ड। तो एक बहुत ही अच्छा एम्बियंस था जो बहुत टाइम बाद मैंने देखा। इतना शांत वातावरण जहाँ पे आपको बर्ड्स के लिए, टाइगर के लिए, मतलब प्रॉपरली कहते हैं ना कि बच्चे खूब इंजॉय कर पाए, वो था एग्जैक्टली। बस यहाँ पे ही सिंपल सा हमने एक लंच किया, बहुत अच्छा लंच था। और फिर हम लंच के बाद रेस्ट करके हम लोग निकल पड़े गर्जिया टेम्पल के लिए। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आई थिंक हमें करीबन 20 मिनट लगे होंगे यहाँ से पहुँचने में, और
ये अगस्त का टाइम है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पानी और ग्रीनरी नज़र आएगी। हम अगस्त के मिड में निकले थे और बहुत प्यारी प्यारी नहर आसपास, बहुत ही हरा भरा पहाड़ों का जो जंगल था, पेड़ नज़र आ रहे थे। तो इस टाइम पे आप बना सकते हैं, अगर बच्चों की हॉलीडेज पड़ रही हैं आप ज़रूर आइए। सबसे पहले जो नियरेस्ट आपका जो बनता है वो है कॉर्बेट का। अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं घूमना चाहते तो आसपास का एरिया ही इतना कुछ एक्सप्लोर किए हैं कि बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है गर्जिया टेम्पल, जो बनता ही बनता है, मगर जाते वक्त बहुत तेज बारिश हो गई। जब हम पहुँचे तो बारिश रुक गई थी, तो हमने प्रसाद ले लिया और बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को चाहिए थी, टॉयज तो चाहिए होते हैं, वो भी खरीद लिए। बट जैसे ही हम टेम्पल के लिए पहुँचने वाले थे तो उस टाइम पे भी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। फिर हम थोड़ी देर शेल्टर में रुक गए ताकि बारिश रुक जाए, और फिर हमने एक अम्ब्रेला लिया भैया से, दुकान वाले भैया ने ही हमें दे दिया। यहाँ से हमने अम्ब्रेला लेकर के आगे का जो रास्ता है, यानी एक छोटा सा ब्रिज है, उसको क्रॉस किया और बहुत ही सुंदर टेम्पल, मतलब आपको चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा नज़र आएगा कि आप सब अपने कैमरेज लेकर के पक्का फ़ोटो खींचने ही लग जाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही दिव्य मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, कहा जाता है जो भी आप मानते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ से आपको गर्जिया टेम्पल का जो ग्लिम्स है वो नज़र आ जाता है। गर्जिया टेम्पल एक छोटी सी चोटी में बना हुआ मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर में जो माँ गर्जिया की जो मूर्ति है वो यहीं पे ही जो नदी है इसी के पास मिली थी। माँ गिरिजा जो टेम्पल है, जो देवी हैं, वो यहीं विराजमान है। बहुत ही सुंदर तरीके से, मुझे तो कुछ तिरंगे के जैसा भी लग रहा था। 15 अगस्त के आसपास का टाइम था और चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस की चीज़ें थी, चहल पहल थी बस। और ये है मंदिर, मंदिर जो है वो नदी के बिल्कुल पास है, और नदी का भी उफान बहुत तेज था क्योंकि नदी बारिश का मौसम था, तो नदी भी काफ़ी भरी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेते हुए और बहुत सारी घंटियाँ माला यहाँ पे आप गांठ बांध सकते हैं, चुन्नियों से अपनी मन्नत मांग सकते हैं यहाँ पे। बस फिर हम लोग चल दिए और आगे जाके एक छोटी सी जो स्टेयर्स हैं यहाँ पे, उन पर थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि वो थोड़ी स्टीप हैं, और हम सब के सब निकल पड़े माँ के दर्शन करने के लिए। चलो
बहुत ही सुंदर माँ गिरजा का जो टेंपल है और इस मंदिर में बहुत सी मन्नतें पूरी होती हैं माता के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब भी अपने हाथ जोड़ के माता के दर्शन करिए और इस वीडियो को प्लीज़ खूब लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने छोटे छोटे कंटेंट्स के लिए और प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल कीजिए। नीचे उतरते ही बिल्कुल पहाड़ी के नीचे ही प्राचीन शिव मंदिर और भैरव मंदिर भी है, तो वहाँ पे दर्शन करना ज़रूर बनता ही बनता है। माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। तो यहाँ पे हम लोग माता के दर्शन के बाद आए हैं और बहुत ही सुंदर छोटी सी गुफा सी है, वहाँ पे हमने भैरव जी के और शिव जी के दर्शन करें। जाओ, है कोई अंदर? Thank you.
बहुत अच्छा गाना पड़ेगा। जाएंगे जाएंगे। मिट्टी बेटा मिट्टी बहुत जरूरी है वाली, पैरों पे लगनी बहुत जरूरी है। चलो पैरों में लग रही है। जाएंगे जाएंगे। मिट्टी बेटा मिट्टी बहुत जरूरी है वाली, पैरों पे लगनी बहुत जरूरी है। चलो पैरों में लग रही है। जब दर्शन आप कर लें तो आसपास जो नदी का जो बहाव है उसको महसूस करना ना भूलें, मतलब वहाँ पे जरूर बैठें और वहाँ का आनंद लें। चाहे तो आप नहा भी सकते हैं और यहाँ मुंडन भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है। तो आप इस टेंपल में ज़रूर आइए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और खूब इंजॉय कीजिए। आई होप मुझे ये जो व्लॉग है वो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ डू कॉमेंट एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप सबकी सच में आप सबको बहुत आनंद आएगा इस मंदिर में आके। तो ये नदी के बीचों बीच ही है और बिल्कुल दिव्य है, अनोखा है। तो आप सबको मैं इसी संदेश के साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पे व्लॉग ख़त्म नहीं होता क्योंकि आगे जाके बस यही है कि हम सब ने क्या किया, मतलब दिन का जो समाप्ति थी वो कैसे हुई। तो यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं और होटल में रात के टाइम पे आप सबके लिए एक मूवी प्ले की जाती है। ये जो मूवीज़ हैं ये बेसिकली कॉर्बेट की इतिहास को दिखाती हैं, तो कैसे कॉर्बेट का नाम पड़ा। तो आप भी इंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय।